अब फ्रेंड्स इसमें टू से टू कट जाएगा, तो टू से टू कट गया तो ये एंड ये, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है एक रिलेशन ये आ चुका है। अब एक रिलेशन ये आ चुका है, दूसरा रिलेशन हमें निकालना है डी थीटा के लिए। तो डी थीटा के लिए अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो हमारे पास क्योंकि एक्स बराबर है आर कोस थीटा, वाई बराबर है आर साइन थीटा, तो यहां से एक्स अपॉन वाई बराबर आर से आर कट जाए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब फिर से अगर डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यू वाई बी रूल से एक्स को छोड़ा डी वाई माइनस वाई को छोड़ा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या यहां से हम इसको लिखना चाहें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर थीटा, एक्स थीटा की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ऑफ डी थीटा। तो फिर यहां से सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन हो जाएगा, तो यहां से हो गया हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर डी थीटा, ये वैल्यू आ चुकी क्योंकि ये तो बन हो गए हमारे पास, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब ये दो रिलेशन आ चुके हैं हमारे पास, तो ये दो रिलेशन अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में पुट करने पे हमारे पास यहां पे फ्रेंड्स हमारे पास क्या था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, तो ये हो गया हमारे पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की जगह, तो यहाँ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर आर डी आर ये हो गया, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह आर स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डी थीटा, ये हो गया इक्वल टू अगर इसको हम देखें तो इसको देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर करेंगे तो आर स्क्वायर आ रहा था, हमने देखा भी था आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन और ये हो गया आर स्क्वायर और पूरे पे रूट है, ये हो गया हमारे पास अभी। जब ये हो गया हमारे पास तो यहां से हम देखें तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, ये हो गया हमारे पास वन अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, अगर इसको हम देखें तो इसको हम रूट यहां पर लिख के और आर को बाहर ला सकते हैं, ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब यहां से आर भी कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास फाइनली। और अगर इसको नीचे लाएं तो ये हुए वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू डी थीटा, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसका इनका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा हमारे पास इसका, तो साइन इनवर्स आर अपॉन ए हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास थीटा और प्लस सी। अब ये हो गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है आर और थीटा की, तो आर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, तो ये हो गया साइन इनवर्स आर की वैल्यू थी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया इक्वल टू थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, क्योंकि हमारे पास वाई अपॉन एक्स बराबर टेन थीटा आया था, तो वहां से थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, सी जो है कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू पुट कर दी।
अब ये वैल्यू जो है हमारे पास, अगर देखे तो वाई अपन वाई का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, जो भी हमने आर और थीटा माने थे वो हमने सभी वैल्यूज उनकी वैल्यूज पुट कर चुके हैं आर और एक्स के फॉर्म में। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स, इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।